बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि KSE 100 इंडेक्स क्या होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के माइंड्स में यही होता है कि KSE 100 इंडेक्स क्या है और क्यों इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप लोग अक्सर न्यूज़ चैनल्स में भी सुनते होंगे या बिज़नेस न्यूज़ को अगर कोई फॉलो करता है तो वो हमेशा सुनता होगा कि KSE 100 इंडेक्स इतने पॉइंट्स ऊपर आया है या इतने पॉइंट्स नीचे गया है। वो हमेशा मेंशन किया जाता है जब भी बिज़नेस न्यूज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड चलती है। तो आगे चल के मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका पर्पज़ क्या है और इसमें कौन कौन सी कंपनीज आती हैं और ये क्यों बनाया गया। उससे पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए। चलें जी, जल्दी से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि KSE 100 इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है। KSE 100 इंडेक्स 1991 नवंबर में बना था, जब ऑलमोस्ट उसी टाइम ही स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बनी थी, तो उसी टाइम ही इंट्रोड्यूस हुआ था KSE 100 इंडेक्स। अब इसमें कौन सी कंपनीज आती हैं और KSE 100 से क्या बनता है। KSE से बनता है कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स। अब 100 का मतलब ये है कि इसमें टॉप की 100 कंपनीज आती हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, मार्केट को शो कर रही होती हैं। अब इसमें कौन सी 100 कंपनियाँ हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो उनके मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, उनकी वैल्यू जो फर्स्ट 100 कंपनीज हैं वो KSE 100 इंडेक्स में आती हैं। उसकी वजह यह है कि वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं ऑलमोस्ट 90% ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इसी वजह से ये सबसे अच्छा इंडिकेटर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। आप लोग सुनते होंगे अगर लेट्स सपोज 500 पॉइंट्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऊपर गई है तो उसका मतलब ये होता है कि 500 इंडेक्स KSE 100 इंडेक्स ऊपर गया है। तो इसका मतलब ये है कि टॉप 100 कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है उन्होंने आज अच्छा परफॉर्म किया। इसी तरह अगर 500 पॉइंट्स नीचे जाता है तो उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो 100 टॉप कंपनीज है उन्होंने आज के दिन में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अब इन 100 कंपनीज में कौन सी कंपनीज होती हैं, आप लोगों को अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऑलमोस्ट 36 सेक्टर्स हैं। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने सेक्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है कंपनीज को, जिसमें बैंकिंग सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, फूड सेक्टर है। इसी तरह उन्होंने 36 सेक्टर्स बनाए हुए हैं जिनमें कंपनीज को डिवाइड किया हुआ है। अब इन 100 कंपनीज में कौन सी कंपनीज आती हैं, इनमें जो म्यूचुअल फंड्स के सेक्टर को छोड़ के जो बाकी 35 सेक्टर्स बचते हैं उनमें से एक एक कंपनी जो टॉप की कंपनी थी वो उठाई गई है 100 इंडेक्स के लिए। उसके बाद जो रिमेनिंग 65 कंपनीज थी वो उठाई गई हैं हाईएस्ट मार्केट कैपिटल के हिसाब से, यानी कि वो कोई भी कंपनी हो सकती है, किसी भी सेक्टर से हो सकती है, जिस तरह 65 कंपनीज जो होंगी। इससे ये पता लगता है आप लोगों को कि पाकिस्तान की जो टॉप की 100 कंपनीज हैं वो KSE 100 इंडेक्स में आती हैं। वो जो ऑलमोस्ट मैं एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि वो 90% ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। KSE 100 इंडेक्स क्यों बनाया गया, ये एक इंडिकेटर है जो आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्थ को बताता है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पोजीशन को शो करता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किस पोजीशन पे जा रहा है। जिस तरह से आप लोगों ने सुना होगा कि ग्रॉस जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिस कंट्री की ज़्यादा होगी तो कंट्री अच्छी समझी जाती है, इसी तरह जिसका जीएनपी ज़्यादा होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ज़्यादा होगा जिस कंट्री का, उस कंट्री को अच्छा समझा जाता है, उसका फिर कंपैरिजन होता है बाकी कंट्रीज के साथ। इसी तरह ही KSE 100 इंडेक्स जो होता है वो एक आपको बेंचमार्क देता है और वो कंपैरिजन के लिए आप लोगों को एक डाटा देता है कि आज लेट्स सपोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स 45,000 पे है तो उसको आप कंपेयर कर सकते हैं इंडिया के 100 इंडेक्स के साथ। आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया के या किसी भी कंट्री के आप 100 इंडेक्स के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की 100 कंपनीज आज इस तरह से परफॉर्म किया, उन्होंने 500 पॉइंट्स ऊपर गई हैं, तो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही हैं। तो ये कंपैरिजन का डाटा भी आप लोगों को देता है और बेस्ट इंडिकेटर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस को शो करने के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी KSE 100 इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है। और मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियोस से इंफॉर्मेशन मिल रही है, और मजीद वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अभी तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।